इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। लेकर भी ऐसे मुतवल्लियों को हटवा दे रहे जो पैसे खा जाते हो, वक्फ की प्रॉपर्टियों को जाये करते हो, बर्बाद करते हो, ऐसों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मुतवल्ली बनकर के सिर्फ औहदों पर जमे रहे। और सुन लीजिए, मैं साफ बात आपसे अर्ज करूंगा, शरी बात कहूंगा जो कहूंगा आपसे। अगर आपको वक्फ का निजाम चलाने के लिए, मस्जिद मदरसे का निजाम चलाने के लिए जो शरई मसाइल जरूरी है और जो इस वक्त के गवर्नमेंट के कानून है वक्फ के, उसकी जानकारी नहीं है और आप उसके लायक नहीं कि आप उसकी जानकारी ले रहे, तो बिल्कुल जायज नहीं कि आप मुतवल्ली के ओहदे पर चिमट के रहे, रात होने से पहले, सूरज डूबने से पहले इस्तीफा दे देवे और अलग हो जावे। हो किसी हाल में उनको लियाकत नहीं कि उस मनसब पर चिमट करके बैठे रहे। इसलिए कि ये शरीयत का मामला है, ये कोई मामूली खेल खिलौना थोड़ा ही है। और याद रख लो, एक किस्सा में इबरत के लिए सुनाया करता हूं हजरत, किसी मरने वाले की बुरी बात कभी कहनी नहीं चाहिए। हमारे यहां एक आदमी का इंतकाल हो गया है, अल्लाह हम सबको बुरी मौत से हिफाजत में रखे। इंतकाल के बाद उसके पूरे बदन के ऊपर कालापन आ गया है, इंतकाल होते ही उसका बदन काला हो गया है और बदन के ऊपर डरावनी चीजें फोड़ी फुंसी जैसी निकलने लगी। लोग हैरान थे, बेचारे ने जिंदगी में क्या गुनाह किया होगा कि मरते ही ये सजा शुरू हो गई। सुन लो कान खोल करके, उसके बड़े बेटे को पूछा गया कि आपके अब्बा जान से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था, तो उसके बेटे ने कहा कि मेरे अब्बा जान का एक गुनाह ऐसा है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि उसकी वजह से मरते ही मेरे बाप को इबरतनाक सजा हुई है, और वो गुनाह ये कि मेरे अब्बा मस्जिद मदरसे के मुतवल्ली रहे और पैसों के बारे में इन्होंने कभी एहतियात से काम नहीं लिया। मस्जिद मदरसों के पैसे जेब में लेकर आए और घर का कोई सामान खरीदने की जरूरत पड़ी तो ऐसा भी हो जाता था कि उसी पैसे में से घर का सामान आ जाता था। कहिए, जो हराम का, मस्जिद का, मदरसों का माल खाया, मुझे यकीन है कि उसकी वजह से मरते ही मेरे बाप को यह सजा इबरतनाक शुरू हो गई है। हजरत, मैं आपको कहूं, कोई मेरे घर में से चोरी कर ले, मुझसे आकर माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह भी उसको माफ कर देंगे, वो खुदा से माफी मांगे। लेकिन वक्फ का पैसा, चंदे का पैसा, लोगों के डोनेशन का पैसा, अगर उसको तुमने गलत तरीके से खाया तो किससे माफी मांगने जाओगे? पूरी कौम से कैसे माफी मांगोगे? उसकी माफी की क्या शक्ल होगी? इसीलिए वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ का चंदा और उसकी इनकम को जाए और बर्बाद करने से अपने आप को बचाओ, वरना दुनिया में रुसवाई है, आखिरत में खतरनाक सजा है। और मैं आपसे आगे कहूं कि हजरत, ये चंद छोटी छोटी बातों को आप मलहूज रखें। आज जनरली हमारी यहां मस्जिद मदरसों के अंदर ये चीजों का कोई इंतजाम नहीं है, ऑडिट नहीं होता, पाबंदी से ऑडिट करवाओ। ट्रस्टों के ट्रस्ट डीड सलामत नहीं है, उसको सामने रखो। और जुमा को पेटी खोलो, जुमा के बाद तो दो आदमी की हाजिरी में खोलो ताकि किसी को शक न होवे कि मुतवल्ली साहब, एक जगह के बारे में सुना यही सूरत शहर में कि जुमा का गल्ला जैसे ही आया, मुतवल्ली साहब ने उसमें से पैसे लेकर मस्जिद के खादिम साहब को कहा कि मुझे भूख बहुत लगी है। और अब तक जो प्रॉपर्टियां हमारी रजिस्टर नहीं है उनको जल्दी जल्दी रजिस्टर करवाओ, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये भाड़ा वगैरह के मामले में मैं आपसे क्या कहूं, अभी आप सुन रहे थे। आज कितने मदरसे मस्जिद ऐसी है कि उसके खेत लोगों ने गणोत पर लिए हैं, खेड़ने के लिए लिए हैं, खेती के लिए लिए हैं, बरसहा बरस की गणोत मस्जिद मदरसे में जमा नहीं करवाई और वो यूं समझता है कि मैं नमाजी हूं, मेरी नमाज मुझे जन्नत में ले जाएगी। कसम खुदाए पाक की, मस्जिद की गणोत अदा न करे और फिर वो नमाजी बन के रहेगा, अल्लाह की मगफिरत नहीं होगी उसकी, खुदा उसकी मगफिरत नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको
अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अता फरमाए। और अगर ये